अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बाबर नज़ीर और आप देख रहे हैं अहमद मोबाइल टेक। जी दोस्तों, आज हम जो है ना जावा इसे विड्रॉल करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है, इजीली समझिएगा। क्योंकि लेंथी इसलिए होगा क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर आप खुद करना सीख लेंगे तो जस्ट 5 मिनट में ये आप काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम होम में रहेंगे, होम में रहने के बाद विड्रॉल बैलेंस पर बताएँगे दबाएँगे। विड्रॉल बैलेंस पर आने के बाद क्लिक टू विड्रॉल पर प्रेस करेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे वॉलेट टाइप आपको पता चल जाएगा। ये मैं इधर क्लिक करता हूँ, USDT TRC20 को ही हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन जो मेन चीज़ है, जब आप अपना ये पेज ओपन करेंगे, जो फर्स्ट टाइम ये पेज अपना ओपन करेगा ना, तो उस पर एक फंडिंग पासवर्ड का जो है ना पेज ओपन हो जाएगा। आपने कोई भी अपनी मर्ज़ी की फंडिंग पासवर्ड रख लेना है और उसको कन्फर्म करके ओके कर देना है। अगर आपने अभी तक फंडिंग पासवर्ड नहीं रखा, ये ऑटोमेटिकली शो कर देगा आपकी स्क्रीन पे। जब हम यानी कि ये पेज ओपन करते हैं, क्लिक टू विड्रॉल पे प्रेस करते हैं, तो वो पेज ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। यानी कि इधर आने से पहले, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट पे आने से पहले ही वो ओपन हो जाएगा। अगर वो नहीं आता तो आपने वो सिर्फ फर्स्ट टाइम एक दफ़ा ही आपने वो पिन रखनी है। तो अगर सिंपल वो आपके पास नहीं आता तो आपने फंडिंग पासवर्ड सेट कहाँ से करना है, इसके लिए मी में आ जाएं। मी में आने के बाद आप सेटिंग में आ जाएं। सेटिंग में आ जाएं, सेटिंग पे आके इधर आप जो है ना अपना फंड पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं रखा तो आप इधर रख सकते हैं, क्योंकि उधर आपको फंडिंग पासवर्ड चाहिए होगा। अगर तो ऑटोमेटिकली वो पॉपअप आपके सामने खुल जाता है तो आपने उधर अपना फंडिंग पासवर्ड रख लेना है, नहीं तो इधर आके आपने अपना फंडिंग पासवर्ड सेट कर लेना है। तो सिंपल हम इधर आ जाएंगे, विड्रॉल में आ जाएंगे, क्लिक टू विड्रॉल पे आ जाएंगे। इधर तीन चीज़ें हमारे पास वो मांग रहा है, वॉलेट टाइप वो TRC T20 हमने दे देना है, और वॉलेट ऐड, जो वॉलेट ऐड है वो OKX से हम देंगे, और अपना जो है फंडिंग पासवर्ड जो है ना वो हम वही देंगे जो हमने अभी क्रिएट किया होगा। तो जस्ट ये तीन चीज़ों की ज़रूरत है, तो इसको हम ओके करेंगे। इस सबसे पहले ये वॉलेट ऐड करने के लिए हम OKX में जाएंगे। OKX में आ जाएंगे। OKX के आने के बाद मैं आपको बता दूं, OKX के दो इंटरफेस हैं, जैसे कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्विच टू प्रो। जैसे आप स्विच टू प्रो करेंगे तो ये इंटरफेस आ रहा होगा। इस इंटरफेस को आप ख़त्म करके हम लाइट में जाएंगे, तो आपने परेशान नहीं हो जाना कि ये इंटरफेस आ रहा है तो हम विड्रॉल कहाँ से लें, ठीक है। तो आपने जो जस्ट जो है ना सिंपल इस पे आइकन पे क्लिक करना है ऊपर, तो इधर फिर आ रहा है लाइट ट्रेड विद सिंपल इंटरफेस, तो आपने फिर इसको दबा देना है एरो के निशान। ये लाइट में हमारा दोबारा शिफ्ट हो गया। इसके नीचे जो सेंटर में ब्लू कलर के दो एरो नज़र आ रहे हैं, उनको हम प्रेस करेंगे। उधर सबसे पहले आपको रिसीव की ऑप्शन मिल जाएगी, रिसीव पे हम आ जाएंगे। रिसीव पे आने के बाद दो चार चीज़ें हैं जो आपने बहुत केयरफुली करनी है। हम पहले सबसे पहले डॉलर सेलेक्ट करेंगे, USDT। USDT को सेलेक्ट करने के बाद यानी ये चीज़ें आपने केयरफुली देखनी है। आगे हमने सेलेक्ट करना है USDT TRC20, इसको सेलेक्ट ही करना है आपने, ठीक है। ओके कर दें, तो ये देखें USDDC और ये हमारा रिसीविंग जो है वो एड्रेस जो है ना वो क्रिएट हो चुका है। इसको जस्ट कॉपी करेंगे, जो लास्ट में दो बॉक्स बने हैं इसको कॉपी कर लेंगे। ये एड्रेस हमारा कॉपी हो गया। सिंपल हम जावा में वापस आ जाएंगे। जावा में आए, इधर आप वॉलेट टाइप इंटर करें, वॉलेट टाइप USDT TRC20, यही हमने उधर सेलेक्ट किया था, इधर भी सिलेक्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। ये आ गया वॉलेट एड्रेस जो हमने कॉपी किया था, वो ही इधर पेस्ट करना है, पेस्ट कर दिया। फिर फंडिंग कीज़, जो भी आपने पासवर्ड रखा था फंडिंग, वो पासवर्ड लगा देंगे हम। ओके कर देंगे, ऐड सक्सेसफुली हो गया। थोड़ी देर के बाद ये इंटरफेस आपके पास दोबारा आ जाएगा, ठीक है। अब विड्रॉल अमाउंट, जैसे $100 के ऊपर, $100 के ऊपर ये आपके 10% कटौती होगी, और 50 के ऊपर भी 10% होगी। यानी कि 50 का 10% $5 बनता है और 100 का 10% $10 बनता है। आप देख लीजिएगा कि जैसे अब मैं विड्रॉल करा रहा चाह रहा हूँ $50, तो इसमें मैं सिंपल $55 जो है ना इस पर लिखूँगा, डन कर दूँगा, और फंडिंग जो है ना पासवर्ड वो फिर लगा दूंगा।
पासवर्ड लगाने के बाद मैं इसको डन कर दूंगा। तो ये इसकी थोड़ी सी टर्म कंडीशन है, इसको रीड कर लें। प्लीज़ कन्फर्म वेदर द वॉलेट इज करेक्ट, कहता है वॉलेट एड्रेस को कन्फर्म कर लें कि वो ठीक है। तो इसकी अगर गलत होने की सूरत में जावा इज़ रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा और विड्रॉल जो है आपका 2 घंटे से 72 घंटे के अंदर अंदर OKX में आ जाएगा। तो यू कैन ओनली अप्लाई फॉर 1 withdrawal per day, एक दिन में आप एक ही विड्रॉल लगा सकते हैं। तो जो है विड्रॉल रेट ये लिखा है 10%, नीचे लिखा भी हुआ है मिनिमम विड्रॉल फ़ी 1 rupees है, $1 है। तो जस्ट आपने वेरीफाई कर लेना इन चीज़ों को और कन्फर्म विड्रॉल कर देना है आपने। तो ऑलमोस्ट 72 घंटे का टाइम है, लेकिन मेरे ख्याल से 12 घंटे में 14 घंटे में मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर अंदर जो है ना आपका जो बैलेंस जो है आपके OKX में आ जाता है। OKX से हम इजी पैसा जायज़ कैश किसी भी बैंक में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो जस्ट हम इस विड्रॉल को अपने को कंप्लीट करते हैं, कन्फर्म विड्रॉल। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये जी विड्रॉल सबमिट हो गया सक्सेसफुली, आई नो पे क्लिक कर देंगे। तो ये सिंपल हमारा $50 का जो है ना वो विड्रॉल लग गया, लगाया हमने $55 है लेकिन $50 हमें रिसीव हो जाएंगे। तो जस्ट इससे बाहर आते हैं तो आपको मैं दिखाता हूँ कि हमने वो चेक कैसे करना है कि विड्रॉल जो है ना हमारा कहाँ पे है। विड्रॉल की जो है वो यानी कि दोबारा देखेंगे कि जो विड्रॉल है हमारा, ये देखें होम पे आने के बाद विड्रॉल बैलेंस, इसका रिकॉर्ड चेक करेंगे, क्लिक टू विड्रॉल पे क्लिक करेंगे। साइड पे राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है विड्रॉल रिकॉर्ड, तो ये अंडर व्यू लगे हुए हैं आपके $55। तो इधर से आपको पास लिखा जाएगा तो आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, तो अगर पास नहीं लिखा होगा तो आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे। तो जस्ट सिंपल सी ये बात है। तो इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट टाइम हम OKX से अपना विड्रॉल लेंगे जायज़ कैश या इजी पैसा में, तो मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।